हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड ईयर, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ फूड मटेरियल्स। थर्मल प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्मल प्रॉपर्टी मींस, सबसे पहले तो हम थर्मल प्रॉपर्टी का इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। थर्मल प्रॉपर्टी लाइक स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल डिफ्यूसिविटी, एंथैल्पी, सरफेस हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और इमिसिविटी, ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ किसी भी फूड एग्रीकल्चर मटेरियल की हो सकती है। और ये सारी थर्मल प्रॉपर्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि यदि हम कोई थर्मल प्रोसेसिंग सिस्टम या कोई यूनिट डेवलप करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये सारी प्रॉपर्टीज़। अब थर्मल प्रोसेसिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? थर्मल प्रोसेसिंग मतलब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, कूल करते हैं या उसको फ्रीज करते हैं, ड्राई करते हैं, तो ये सारे थर्मल प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। देयर आर सम अदर थर्मल प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड हीट ऑफ रेस्पिरेशन, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। But these properties are not much very important। जैसे हमको किसी seeds को germinate करना है तो उसमें उसकी heat जो property होती है, heating property, वो depend करती है, जो उसकी germination quality होती है वो heating property पर depend करती है कि हम उसको कितना heat up करें ताकि वो germinate हो जाए। तो हमको उसकी heating property मतलब specific heat या thermal conductivity का ज्ञान होना चाहिए। हमें जैसे किसी स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को किल करना रहता है तो हम थर्मल किलिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी इन रिसेंट ईयर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ आल्सो गिवन टू द फ्रूट्स फॉर फ्रूट फ्लाई क्वारंटाइन डिसइंफेक्शंस। फ्रूट फ्लाई को क्वारंटाइन करने के लिए भी हम उसमें थर्मल ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी फ्रूट्स में। तो ये सब हम उसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। थर्मल प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या नीड है यहाँ पे पढ़ने के लिए, वो देख रहे हैं हम। जैसे किसी एंजाइम की एक्टिविटीज़ है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो अटैक करता है, तो हम इसीलिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी मे बी डिफाइन एज द रेट ऑफ हीट फ्लो। ये हम एक फूड मटेरियल मान लें, इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस है, इसको यूनिट मान लें। यूनिट मतलब या इसको 1 सेंटीमीटर मान लें या 1 मीटर मान लें। तो थर्मल कंडक्टिविटी मे बी डिफाइन एज द रेट ऑफ हीट फ्लो, ये हीट फ्लो की डायरेक्शन है, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल है इसकी जो थिकनेस है वो 1 है, यूनिट सेंटीमीटर और मीटर। तो ये यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, पर यूनिट थिकनेस, ये जो इसकी जो थिकनेस है, तो द थर्मल कंडक्टिविटी मे बी डिफाइन एज द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिट थिकनेस, यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल पर यूनिट एरिया, ये इसका एरिया पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ये जो एरिया है ये जो हीट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, हीट ऐसे फ्लो हो रही है और ये उसका एरिया है, ये जो सरफेस है। तो द थर्मल कंडक्टिविटी मे बी डिफाइन एज द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल पर यूनिट एरिया नॉर्मल, ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड पर यूनिट टाइम, किसी यूनिट टाइम पे फॉर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। और इस फेज का टेम्परेचर है जैसे T1 और इस फेज का T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 हमारा हो जाएगा 1 टेम्परेचर डिफरेंस आना चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगेन थर्मल कंडक्टिविटी मे बी डिफाइन एज द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल, यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल पर यूनिट एरिया, ये जो एरिया है कौन सा, AOGD पर यूनिट एरिया, ये जो ये एरिया है ये यूनिट होना चाहिए, या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर, पर यूनिट एरिया नॉर्मल
टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो एंड पर यूनिट टाइम फॉर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. इट इज़ अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट हीट. द थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी, और इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मीटर पर आवर पर डिग्री सेंटीग्रेड. यदि हम बात करते हैं उसकी हीट की क्वांटिटी की, कितनी हीट पास हो रही है नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये वाला जो उसके जो नॉर्मल है सरफेस के नॉर्मल जो हीट फ्लो हो रही है यूनिट थिक यूनिट एरिया पे, तो वो एरिया क्या है, ए है अगर, तो जो हीट है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, और Q इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. सो Q इज इक्वल टू Q इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी, तो Q प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा इज इक्वल टू K, एक कांस्टेंट है जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो हमने ये देखा. तो K क्या है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन किलो कैलोरी में, एरिया है एरिया मीटर स्क्वायर में, और टेम्परेचर है टेम्परेचर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिग्री सेंटीग्रेड, और के है थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मीटर पर आवर पर डिग्री सेंटीग्रेड. थैंक यू स्टूडेंट.